विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में इन दिनों श्रावण मास की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर में आने को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इसके साथ ही गर्भगृह के रुद्र यंत्र, चांदी द्वार, नंदी द्वार की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। सफाई का काम जोरों शोरों से जारी है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बाबा महाकाल के दरबार में प्रत्येक पर्व के पहले गर्भगृह, चांदी द्वार, नंदी द्वार, रुद्र यंत्र, रजत मणित दीवार के साथ ही बाबा महाकाल के आभूषण, छत्र, मुकुट की सफाई हो जाती है। लेकिन ये सफाई कौन करता है और कहां से आते हैं ये सब सफाई करने वाले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज आपको हम ये सभी बातें बताने वाले हैं कि महाकाल में कोई भी त्योहार आने से पहले जो साफ सफाई होती है, जो महाकाल के दरबार को चमकाया जाता है, वो साफ सफाई कौन करता है। आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाले बाबा महाकाल के एक श्रद्धालु पिछले 12 वर्षों से हर त्योहार पर महाकाल मंदिर में इस सफाई को करवाते हैं, जो कि इन दिनों उज्जैन आए भी हुए हैं और अपनी टीम के साथ सफाई के इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। प्रतिवर्ष बाबा महाकाल के गर्भगृह में रुद्र यंत्र, चांदी द्वार के साथ ही बाबा महाकाल के आभूषणों की सफाई करवाने वाले व्यक्ति का नाम सुशील शर्मा है, जो कि दिल्ली के व्यापारी हैं। इस बारे में जब सुशील जी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ बाबा महाकाल की सेवा करना चाहता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्य वर्षों से करता रहा हूं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। उनकी कृपा से सावन मास शुरू हो रहा है, 22 तारीख को पहला सोमवार है, उसके उपलक्ष्य में प्रशासन ने हमें बैठक दिया कि बाबा महाकाल की गर्भगृह की चांदी दीवार, सारे जितने भी चांदी का है, नंदी महाराज, नंदी हाल, सारे सफाई करनी है, तो हमें 15 तारीख से 17 तारीख तक का समय दिया गया है। इस उपलक्ष्य में रुद्रयंत्र, जितने भी चांदी का जो भी प्रशासन ने हमें लिख कर दिया, उसको कर रहे हम काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं। बाबा महाकाल की कृपा है, असल तो यही कहेंगे दिन स्वाप सेवा, फिर सेवा कर निष्काम सेवा। आपका नाम? मेरा नाम सुशील शर्मा, दिल्ली से आते हैं। जो भी हमारी टीम है मंदिर की है, मंदिर से बाहर के लिए मैं अकेले ही आता हूँ, क्योंकि बाबा महाकाल की इन लोगों को भी प्रशासन जिसको भी आप अंदर कहते हैं उसी हिसाब से यहाँ से। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में हर कार्य के लिए टेंडर जारी किए जाते हैं। सुशील शर्मा मंदिर में गर्भगृह और आभूषणों की सफाई के लिए अपनी कंपनी महाकाल रियल स्टेट के नाम पर टेंडर भरते भी हैं और इसमें हर कार्य को करने की राशि निःशुल्क होती है। बताया जाता है कि वर्तमान में भी श्रद्धालु सुशील शर्मा द्वारा 3 वर्षों के लिए सफाई का यह टेंडर भरा गया और इसी के माध्यम से वे मंदिर में निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप भी देखिए कि कितनी मेहनत और पूरी शिद्दत से कैसे बाबा महाकाल के दरबार में सफाई की जा रही है, क्योंकि सावन मास बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और सावन में लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने दर्शनार्थी पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं और आपको छोड़ जाते हैं बाबा महाकाल के इन विशेष दर्शनार्थी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।